गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता अंकुर मित्तल का हुआ स्वागत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा स्वागत समारोह में पहुंचे, बोले खिलाड़ियों को पद के साथ सम्मान दे सरकार। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अपने घर लौट रहे हैं। आज सोनीपत के अंकुर मित्तल अपने गांव बड़गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी पहुंचे। कॉमनवेल्थ में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने गांव पहुंचे अंकुर मित्तल का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अंकुर को खुली जीप में बैठाकर गांव में घुमाया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अंकुर ने कहा कि उन्होंने गोल्ड का प्रयास शुरू किया था, लेकिन वह गोल्ड नहीं जीत पाए, लेकिन अब वो पूरा ध्यान आने वाले खेल पर ही लगा रहे हैं। अंकुर ने सम्मान के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद भी किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्वागत समारोह में शिरकत की। उन्होंने अंकुर को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अंकुर में बहुत प्रतिभा है और वो बेहतर कर सकते हैं। हुड्डा ने सरकार से भी मांग की कि जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को उचित सम्मान सरकार की ओर से दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है स्वागत किया है? मैं सभी ग्रामीणों का दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने मुझे स्वागत करा, इतना सम्मान दिया, मान दिया। मैं आगे भी चाहूँगा कि मैं आगे और अच्छे मेडल, एशियाड आ रहे हैं, ओलंपिक्स आ रहे हैं, मैं उसमें और अच्छे मेडल ला के देश का नाम रोशन करूँ। कहाँ से पदक आपका आया है? तो जब आप वर्ल्ड रैंक नंबर 1 पर गए थे, तो क्या आप फील कर रहे थे, क्या उम्मीद कर रहे थे, और किस तरह से कहाँ से आया, मतलब आगे क्या आपकी तैयारी रहेगी? तैयारी चली रही थी, इसकी भी अच्छी तैयारी थी, उम्मीद थी कि स्वर्ण पदक आता, पर थोड़ा सा आखिरी में थोड़ा फाइनल में चुके। पर हाँ, अब आगे एशियाड है, एशियाड मेरे हिसाब से उसमें मैं पूरे गोल्ड लेके आने की कोशिश। उसके लिए कोई अलग से तैयारी अब आपकी रहेगी, मतलब एशियाड? बस अपने आ रहा हूँ अभी ट्रेनिंग के लिए, मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करूँ। 21 तारीख को मैं जा रहा हूँ। हाँ अंकुर जी, शूटिंग में शुरुआत हुई, काफ़ी मेडल्स आए हैं, आगे कैसे भविष्य दिन? सरकार अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, पहले भी करती रही, आगे भी मैं कामना करता हूँ करती रहे आगे भी। इस मेडल आए हैं, अच्छी राशि देते हैं, सम्मान देते हैं, तो जो युवा शूटिंग में जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? युवा हमारे हरियाणा के बड़ा अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो अभी बड़े सारे हरियाणा तरफ से गोल्ड मेडल भी आए हैं, तो यही है कि आगे बढ़ते रहें। कॉमनवेल्थ से आगे भी एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, उसमें भी मेडल आएंगे। सबसे पहले हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपने हमारे कॉमनवेल्थ मेडल विजेता हमारे भाई अंकुर मित्तल को और पूरे परिवार को, और अशोक मित्तल जी को भी, क्योंकि जो है उनका जो एक लगन है वो मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद है, उसके बिना जो है ये संभव नहीं हो पाता। पूरे मैं समझता हूँ कि हमारे देश का नाम रोशन किया है अंकुर मित्तल ने, और मैं ये भी कहूँगा कि जो मैंने सबसे बात करी है इनकी फेडरेशन में, उससे ये पता चलता है कि अंकुर में एक बहुत पोटेंशियल जो है, हमारे एक पोटेंशियल मेडल विनर है इवन ओलंपिक लेवल पे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये आने वाले दिनों में हमारा नाम रोशन करे, और जो एक ये जो इन्होंने इतिहास बनाया है, इस इतिहास को जो है मैं समझता हूँ आगे और लेके जाए, देश का नाम रोशन करता रहे, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और जो है हम यही उम्मीद करेंगे कि जो सरकार है वो जो भी प्रोत्साहन हो सके नीतिगत तौर से, जो एक शुरुआत पिछली सरकार दौरान की गई थी कि पदक लाओ, पद पाओ और प्रोत्साहन पाओ, तो उच्च पदों से और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि देकर, और जो है पूरा अपना स्पोर्ट्स के अंदर जो भी हो सकता है ये सरकार करेगी, ऐसी हम सरकार से उम्मीद रखेंगे।